गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह हैं, सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इससे पहले हम इसके तीन जो वीडियो हैं वो बना चुके हैं। आज हमारा ये है उसका नेक्स्ट पार्ट है, उसी के आज आगे हम आपको कराएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसों को जब हम एक लिंक के रूप में, यदि उनको दोनों का हम एक ही सेंटेंस बनाते हैं, उनको जोड़ देते हैं, तब उस प्रकार के हम वाक्यों को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो प्रोनाउन जो हम इसके अंदर यूज करेंगे, जो वो एक एज ए कंजक्शन के रूप में भी काम करेगा, यानी कि वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए। वाक्य के जो दो भाग है उनको हम जोड़ देते हैं बीच में एज ए कंजक्शन लगा के, हु, व्हाट और दैट, ठीक है। इस प्रकार जो है हु, हूज, विच, व्हाट और दैट, इनका प्रयोग करके हम उन दोनों वाक्यों को एक ही सेंटेंस के अंदर जोड़ देते हैं। और उसके लिए सबसे पहला जो नियम है वो है, यदि सेंटेंस के अंदर हम व्यक्तियों को यूज कर रहे हैं, पर्सन्स को यूज कर रहे हैं, तब उनके लिए हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और उसके अंदर सबसे पहला जो है हमारा वर्ड वो है हु, ठीक है। हु का प्रयोग कब किया जाता है, जब व्यक्तियों के लिए, ठीक है, व्यक्तियों के लिए, जब हम जो सब्जेक्ट के रूप में यदि व्यक्ति है वह काम कर रहा है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं हु का, ठीक है। और वो नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। I do not like the boy who has done it, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेंटेंस को देखिए, जो हमने who वर्ड का प्रयोग किया है कि I do not like the boy, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसने who, यहाँ जो who है इसने who has done it, जिसने यह किया है तो उसको मैं पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, आई डोंट लाइक द बॉय और हु हैज डन इट, ठीक है। तो उस लड़के ने जो किया है मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता, तो उस प्रकार जो हु शब्द है उसने दोनों सेंटेंसों को एक सेंटेंस के रूप में जोड़ दिया। और यहाँ पर एक बार एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद में कुछ बताऊंगा। आई डू नॉट लाइक द बॉयज हु हैव डन इट। अब यहाँ पर सेंटेंस हमारा वही है, इधर बॉय था और इधर बॉयज है, इधर हमने हैज लगाया था और इधर हमने हैव लगाया है। ये क्यों हुआ है, यदि हम देखें हु से पहले, ठीक है, यदि जो हमारा वर्ड है वो उससे पहले यदि एक वचन नाउन, हमारा नाउन हो या प्रोनाउन हो, यदि वह सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यदि नाउन हमारा या प्रोनाउन हमारा प्लूरल रूप में है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी, ये आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हु से पहले यदि हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर नहीं है, क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, और यदि यह हमारा प्लूरल में है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी, क्लियर। उसके बाद है हुम शब्द का प्रयोग, यदि वाक्य में व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्ट यानी के कर्म के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो हम हुम का शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हुम जैसे दिस इज द बॉय, ठीक है, हुम जिसको आई सा इन ऑफिस, ठीक है, यह वो लड़का है, ठीक है, कौन सा, विच यानी कि whom I saw in office, यह वो लड़का है जिसे मैंने ऑफिस में देखा था। तो whom जिसको हम यहाँ पर उसके लिए शब्द यूज कर सकते हैं, जिसको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बॉय जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उसके लिए हम लड़के के लिए दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है जिसको मैंने ऑफिस में देखा था। तो ऑब्जेक्ट के रूप में यदि हम नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम होम शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक वाक्य और लेते हैं, द स्टूडेंट
whom I met today, इनके विद्यार्थी, और कौन सा विद्यार्थी, जिसे मैं यानी जिसको मैं मिला था, आज मिला था, और वाज संजू सन, यानी वह संजू का बेटा था। ठीक है, इस प्रकार हम whom शब्द का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर करेंगे कर्म के लिए। अगला है, यदि वाक्य में निर्जीव वस्तु यानी कि लाइफलेस कोई थिंग है, उसके लिए यदि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन का अगर प्रयोग करते हैं, तब हम विच का प्रयोग करते हैं, डब्ल्यू एच आई सी एच, विच का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, दिस इज द पेन विच आई बोट टुडे, यह वो पेन है जो मैंने आज खरीदा है, दिस इज द चोक विच आई बोट यस्टरडे, यह वो चोक है जो मैंने कल खरीदा था। तो इस प्रकार हम होम और विच जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव रूप में और निजी वस्तु के लिए हम इनको प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद है दैट और व्हाट का जो प्रयोग है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जा सकता है, जैसे दिस इज द डॉग दैट आई बोट, यह वो डॉग है जो मैंने खरीदा है। तो यहां पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं सजीव के लिए, और आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, मैं नहीं समझा जो आपने कहा। ठीक है, तो इस प्रकार हम दैट का और व्हाट का प्रयोग जो दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो हमारे नियम्स हैं वो हम जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं इसके वो देख लेते हैं। क्या है, यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, ठीक है सुपरलेटिव, तो उसके बाद अगर हम किसी नाउन का प्रयोग करना हो, हमें सॉरी उसके बाद अगर हमें किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो हम सिर्फ दैट का ही प्रयोग करेंगे, वहां पर वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट आई हैव एवर सीन, तो हम यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे न कि हु का। आगे, यदि वाक्य में दूसरा जो नियम है, यदि वाक्य में सेम प्लस नाउन के बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तब भी हम दैट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द सेम बॉय, यह है वही सेम बॉय है दैट मेट मी ऑन रोड, कि जो मुझे सड़क पर मिला था। ठीक है, हम यहां पर दैट का ही प्रयोग करेंगे यदि वाक्य के अंदर सेम और उसके बाद कोई नाउन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद only, any, few, little, everything, nothing के बाद यदि हमें कोई भी relative pronoun का प्रयोग करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ that का ही प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे there was nothing that could tempt Vijay, clear है। एक example लेते हैं, this is the only book that can give proper guideline, तो इस प्रकार यदि हम शब्दों में पहले सेंटेंस में नथिंग, ठीक है, और ओनली, ठीक है, से और ये फ्यू एनी एवरीथिंग नथिंग ये वाक्य के अंदर अगर शुरू में आते हैं तो उसके बाद अगर हमें कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो वो हम सिर्फ और सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो चार प्रोनाउन हमारे हो चुके हैं, इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो आपके लिए रहेगी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो जल्दी मिलते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, तब तक के लिए बाय बाय।